समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक राजेश शुक्ला पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव और सटई नगर पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश शर्मा ने जय मां कंस्ट्रक्शन कंपनी को हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि साजिश के तहत उन्हें कंपनी के पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है। विधायक ने 1.5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है। वहीं विधायक राजेश शुक्ला ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। छतरपुर के बिजावर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव ने जालसाजी करने का आरोप लगाया है। सटई नगर पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश शर्मा ने सपा विधायक पर सत्ता का पावर दिखाकर जयमा कंस्ट्रक्शन कंपनी को हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कंपनी में वो और सपा विधायक सहित 5 लोग पार्टनर हैं। सपा विधायक ने चोरी छिपे इन्हें इस कंपनी से बेदखल कर दिया है और कंपनी में साजिश के तहत 15% की जगह 25% के पार्टनर बन गए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सपा विधायक ने लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब मजबूरन उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। बड़ी मेहनत करके कंपनी ठाणी करी, पूरा जिला जानत, सब जने जानत, वो आज हमारी कंपनी हड़प कर ले, हमें बिना बताए, हमारा हिस्सा बिना दें, हमें कंपनी से बाहर कर दो। वो गजट में जो लिखा दो नवीन नारायण पांडे ने कि राजेश शर्मा अपनी मर्जी से अलग हो रहे, हम कहा था हमारा त्याग पत्र बता देवे, हम शपथ पत्र आप हम देवे तैयार है, कोर्ट में देवे तैयार है, कोनू ऑफिस में या कहूँ हमने जो लिख के दो हुए कंपनी से अलग है, हम ही मालिक थे, पूरे एग्रीमेंट में हमारे साइन थे। आज उनने जांच कूटपीट करी कि वो खाते में पैसा ना आके अलग से हमें बैंक में खाता खुलवाओ और वो बैंक के खाते में पैसा डालने लगे। हमारी जयमा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सिविल कार करते जी के ऊपर टेंडर शुरू 2010 से आज लो करीबन 30-40 करोड़ का काम हमारी कंपनी कर चुकी। पार्टनर तो 6 जने थे, बस हम डीटा अपन दे रहे और उनमें पूरे पावर हमें हाथे थे। और 2019 में हमें बिना बताए बिना जानकारी के हमें अलग कर दो। इस पूरे मामले में सपा विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शुक्ला ने राजेश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता की पत्नी पर सटई नगर पंचायत में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, इस वजह से वे उन पर कंपनी में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं उस कंपनी में पार्टनर था, जो राजेश शर्मा ने हम पे आरोप लगाए, उसमें कोई दो राय नहीं। उनका आरोप है कि आपने घोटाला किया है, करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका, 35 करोड़ का काम हुआ था 4 साल। मैं तो 15% का भैया पार्टनर हूँ, रही सवाल घोटाले की, तो कोई भी कंपनी होती है, फर्म होती है, उसका हिसाब कागजों में बिल्कुल स्पष्ट होता है। रही सवाल हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप की, पहला तो आरोप जे आप जे मान के चलिए जी हमारे ऊपर बनता ही नहीं, क्योंकि आपके पावर छिने हो हमें तो मिले नहीं, अब किसको मिले आप उसके ऊपर आरोप लगाइए। मैं समझता हूँ जो पेपर में उसने लिख के दिया है आपको लिखित में, उसमें उन्हीं के ऊपर लगाए हैं, लेकिन टीवी और कैमरे के ऊपर मेरा नाम लिया है क्योंकि जिसमें मसाला बन जाए जी न्यूज के। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।